वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनू। दोस्तों, इंट्रूजन नाम का एक नया इंग्लिश फिल्म देखा मैंने नेटफ्लिक्स पर। फ्रीडा पिंटो का फिल्म है दोस्तों। महा एवरेज, वेरी वेरी एवरेज फिल्म यार, बिल्कुल मजा नहीं आया। और सबसे बड़ा बात तो यार, इसमें जो सस्पेंस है इतना प्रेडिक्टेबल है कि बीच में आप गेस कर पाओगे कि भाई सस्पेंस क्या है, एंड एग्जैक्टली वही निकलता है। और जब सस्पेंस खुलता है ना, इट विल एक्चुअली रिमाइंड यू ऑफ अनदर पॉपुलर इंग्लिश फिल्म, एक हिट इंग्लिश फिल्म जो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने पसंद किया होगा, वही सेम फिल्म का याद दिलाएगा ये फिल्म का सस्पेंस। इनफैक्ट वो फिल्म का नाम नहीं लूंगा मैं, वो इंग्लिश फिल्म का, क्योंकि अगर नाम लिया सस्पेंस पूरा बाहर हो जाएगा, इसलिए मुझे वो सस्पेंस बाहर नहीं करना है। बट आप देखना इंट्रूजन, यू विल इमीडिएटली बी रिमाइंडेड ऑफ दिस पॉपुलर इंग्लिश फिल्म यार। आई मीन व्हाट इज दिस यार, बिल्कुल कुछ नयापन था ही नहीं इस फिल्म में। और आपने नाम दिया है इंट्रूजन यार, वो इंट्रूजन जो होता है इस फिल्म में, वो एपिसोड, वो इंसिडेंट को तो दिखाओ मस्त में, एकदम झटपट खत्म किया। उसमें बस थोड़ा सा हल्का सा थ्रिल और टेंशन महसूस करने का मौका मिला मुझे यार, नहीं तो वो डिटेल में तो दिखाया नहीं। मतलब डिटेल में दिखाओ ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है यार, थोड़ा और बड़ा करके, बड़ा चौड़ा करके दिखाओ उसको। ऐसे झटपट खत्म किया। दैट वाज द ओनली इंसिडेंट परहैप्स व्हिच रियली रियली केप्ट यू लिटिल लिटिल एक्साइटेड, व्हिच ग्रिप्ड यू ओनली अ लिटिल, अदरवाइज देयर वाज नथिंग एल्स यार। कुछ कुछ जंप स्केयर मोमेंट्स है, जेन्युइन जंप स्केयर मोमेंट्स है, बट इट अल्टीमेटली लीड्स टू नथिंग। BGM का इस्तेमाल अच्छा हो गया, दैट इज परहैप्स द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस फिल्म, अपार्ट फ्रॉम द हाउस दैट इज शोन। घर भी बहुत अच्छा लगेगा, दैट्स इट। घर और BGM दो अच्छे चीज है इस फिल्म के बारे में। अदरवाइज द स्टोरी, द सस्पेंस, एवरीथिंग एल्स वाज वेरी वेरी एवरेज यार। एंड ऑफकोर्स द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंस, लेट मी रीइटरेट, किल्स द एंटायर जॉय ऑफ वॉचिंग दिस फिल्म। एंड द क्लाइमैक्स, बहुत ही ठंडा क्लाइमैक्स है, थोड़ा फनी लगा यार, एक सीन देख के तो मेरे को हंसी आया, बट इट डिडंट रियली ग्रिप मी यार। द क्लाइमैक्स वॉज ऑल्सो वेरी वेरी एवरेज, महा एवरेज। अब मैं एक्टिंग की बात करूं, सिर्फ लोगन मार्शल, लोगन ग्रीन मार्शल है शायद उनका नाम यार, वो जो बंदा है, मेन एक्टर है इसमें, जो फ्रीडा पिंटो का हस्बैंड प्ले करता है, अरे बढ़िया एक्टिंग किया, सुपर्ब एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, जो भी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन, एब्सोल्युटली लव्ड वाचिंग हिम। जितना अच्छा लोगन था उतना ही खराब था फ्रीडा पिंटो, महा एवरेज एक्टिंग यार। एक ही एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे था और वो एक्सप्रेशन देखने में भी बिल्कुल मजा नहीं आया, नॉट एट ऑल नेचुरल और एफर्टलेस यार, बहुत ठंडा एक्टिंग निकला यार फ्रीडा पिंटो का, मजा ही नहीं आया उनका एक्टिंग देखकर। परफॉर्मेंस में बिल्कुल जान नहीं था, नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। बाकी कुछ था ही नहीं फिल्म में यार, बाकी किसके बारे में बोलूं, कुछ नहीं था यार। सो ओवरऑल वेरी 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 एवरेज फिल्म, वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे लगा यार कुछ मजेदार, एज ऑफ द सीट, टेंशन वाला, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग फिल्म होगा, नहीं। 1.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर इंट्रूजन। अगर आप देखोगे तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।